अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए, इस वक्त मैं बैठी हूँ ऑटो में और मैं और मेरी मम्मी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कुछ काम था, हम लोगों को सामान लेना है। तो वो क्या सामान लेना है वो सब तो मैं आप लोगों को मार्केट जाने के बाद ही बताऊँगी। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ बीवी फातिमा के रोज़े के यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं, तो हम लोग ऑटो में बैठ गए। और ये देखिए, मैं आप लोगों को वहाँ का जो है गेट दिखा रही हूँ। और जिस ऑटो में हम लोग बैठे थे उस ऑटो में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देख सकते हैं आप लोग, इतनी कभी बैठी हुई थी। तो मुझे ज़्यादातर ना हमेशा उस पट्टी पर ही बैठना पड़ता है, सामने जो छोटी होती है। तो ये देखिए, हम लोग बातों ही बातों में दुकान पर पहुँच चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग क्या लेने आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेने आए हैं बाजरा, क्योंकि हम लोगों के मुर्गा मुर्गी के लिए चाहिए था वो। हम लोग आए हैं, काफ़ी दिनों से आने का सोच रहे थे, पर फिर टाइम नहीं मिला तो आना ही नहीं हुआ था। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे जितना भी जो बाजरा गेहूँ वगैरह सब यहीं पे मिल रहे हैं। तो हम इसी दुकान पे आए हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने भी लिए हैं, ये कितने लिए थे मैं भूल चुकी हूँ, मेरी दिमाग से कि हम लोगों ने कितने लिए। तो बस बाजरा लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। देखिए, और यहीं पे मम्मी मुझसे कह रहे थे कि ऑटो रोक रहे थे हम लोग, इतनी जल्दी हुई थी कि सामने मस्जिद दिखाई दे रही है। तो मैंने मम्मी को बोला कि रुको दो मिनट, हम थोड़ा सा आगे घूम के आएंगे ऐसे ही। तो फिर उन्होंने कहा चल चलो ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से तो एक और दुकान भी दिखी थी यहाँ पर किराने की, तो कुछ सामान और लेना था यहाँ पर। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो हमें क्या लेना था, हम लोगों को यहाँ से लेनी थी दाल, क्योंकि ना वहाँ पर जो है चावल की दाल मिल ही नहीं रही थी कहीं भी। हम लोगों ने बहुत ढूंढ ली थी, मतलब हम लोग दाल ही मतलब आखे चावले होते ना वो लेने थे, तो वो मिल ही नहीं रहते वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर दुकान दिखी थी, थोड़ी बड़ी दुकान थी इसलिए हम लोग यहीं पर रुके। और यहाँ से फिर हम लोगों ने चावल की दाल ली। और दाल लेने के बाद यहाँ पर मम्मी जो है पैसे पे कर रहे हैं, वो मुझे दिखा रहे हैं कितने का नोट है। वो अक्सर है ना 20 के नोट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें वो 50 का लगता है हमेशा, इसलिए वो हमेशा थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं उस नोट को लेकर। तो यही देखिए, हम लोगों ने जो हम लोगों को सामान लेना था उसके बाद वो सारा सामान हम लोगों ने ले लिया है यहीं पर। और मैंने मम्मी को बोला था कि हम लोग थोड़ा सा आगे 40 का तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए, और वो रही सामने मस्जिद, तो मैं आप लोगों को वहीं से जूम करके दिखा रही थी। अब मैं थोड़ा आप लोगों को जाए पास जाकर दिखाऊंगी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोग इसीलिए कि मस्जिद आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फिर भी मोबाइल में इतनी बड़ी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। बाकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मस्जिद है ये, और बहुत अच्छी भी लगती है दिखने में। तो यहीं मैंने रुक के थोड़ी देर इसकी वीडियो ली, और उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ से चल लिए। पास में जो है इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, यही मैं मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी मुझे कह रहे थे कि ये वाला जो ढेर है यहाँ पर, ये पहले और भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, अभी ये थोड़ा नीचा हो गया है यहाँ पे। देखिए, तो अभी तो थोड़ा प्लॉट जैसा हो गया है, पहले बहुत ऊंची पहाड़ी थी और यहाँ पर एक पेड़ था, यही मम्मी मुझे बता रहे हैं। और फिर यहीं हम लोग बातें करते करते चल रहे हैं। बस यहीं में हम लोगों को जो है एक घर दिखा था जहाँ पे जो है सूट मिल रहे थे कॉटन की, तो हम लोग यहाँ पर रुके थे। हम लोगों ने इनसे पूछा कि यहाँ पर सूट मिलते हैं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर हम लोग यहाँ माइका वगैरह, और उसके बाद अभी हम लोग वापस चल दिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ऑटो के लिए। और ये देखिए, भारत दूध डेयरी, यहाँ का दूध ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हम लोग इधर जो मतलब दूध बेचने के लिए आते हैं ना, तो वो भी यहीं का दूध लेके आते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा उन्हीं से दूध लेते हैं। हम लोग दूध की थैली नहीं लेके आते, क्योंकि उसमें जो है ना अच्छा स्वाद नहीं होता है, और खुला दूध जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है, पीने में चाय भी अच्छी लगती है उसकी बहुत। इसलिए ये डेयरी यहाँ पर मशहूर है, यहाँ का दूध बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, दूध दही वगैरह सब। तो फाइनली ऑटो आ चुका है और हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। देखिए, और इस बार ऑटो खाली था, तो हम लोग आराम से बैठे हैं, थोड़ा इसमें ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। अभी उधर से आते वक्त काफ़ी ज़्यादा पब्लिक रहती है और जाते वक्त नहीं रहती है। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं नाश्ते में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हुसैन डिग्री पहुंच चुके हैं फाइनली। तो ये देखिए, सामने गेट नज़र आ रहा है यहीं से, तो यहीं मैं आप लोग शूट करके बता रही हूँ। और ये देखिए सामने, ये सारी जो है लंगर की पब्लिक अभी छूटी है, ये इस वक्त सारे मतलब उधर से लंगर के लोग बाग सब ले लेते हैं, उसके बाद इस टाइम निकलती है सारी पब्लिक लंगर लेके। तो ये लोग भी मेरे चैनल में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग घर आ चुके हैं, और यहीं पे देखिए हमने चूजों को हमारे छोड़ा है और उनको बाजरा डाला है, तो अभी थोड़ा कम खा रहे हैं ये, पर धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाएगी। तो ये इनको ना बाहर निकलते ही इतने ज़्यादा भागने लग जाते हैं, पता नहीं एक जगह टिक के खाना भी नहीं खाते चैन से। तो बस यही है, यहाँ पर घूम रहे हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, और मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।